नमस्कार ट्वेल्थ क्लास। आज की वीडियो में हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग दो की हमारी पहली कविता हरिवंश राय बच्चनजी द्वारा रचित आत्म परिचय और एक गीत के बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। बहुविकल्पी यानी कि ऑप्शन के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके कवि से संबंधित भी आते हैं और कविता से संबंधित भी आते हैं। इसलिए अगर आपने अच्छे से कवि परिचय समझ रखा है, कविता अच्छे से समझ रखी है, तो किसी भी हाल में आपके ऑप्शन के क्वेश्चन हैं वो गलत नहीं होते। और दूसरा तरीका क्या है कि आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ करके समझें, फिर आपके ऑप्शन के क्वेश्चन चाहे 13 नंबर के आएँ, चाहे 8 नंबर के आएँ और चाहे पूरे के पूरे सभी आपके ऑप्शन के क्वेश्चन आएँ, आप एक भी उनमें से गलत नहीं करोगे। पहला देखें आत्म परिचय कविता के रचनाकार। रचनाकार यानी कि कवि, रचने वाले कौन हैं? हरिवंश राय बच्चन। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ऑप्शन के क्वेश्चन आप लिखते किस प्रकार से हो। जैसे कि परीक्षा में आ गया, ये क्वेश्चन आते हैं आपके 10-15, तो आप क्वेश्चन नंबर डाल लिया आपने कि क्वेश्चन नंबर 15 है, ये आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन है, तो इसका एक ये इस प्रकार से आप लिखोगे, फिर ये लाइन है ये खाली छोड़ करके, फिर यहाँ उत्तर आप लिखते हो, तो उत्तर के सामने आप जैसे इसका उत्तर ख है तो आप ख भी लिखोगे, ख आपने लिख दिया और फिर आप यहाँ इसका उत्तर है वो लिखोगे, क्योंकि एग्जामिनर जब भी आपके चेक करते हैं तो वो 2-3 तरीक़ों से करते हैं कि कई तो है वो सीधे ही ऐसे ये ऑप्शन ध्यान में रखते हैं, कई उत्तर ध्यान में रखते हैं, तो आप दोनों ही तरीके वहाँ लिखें। सीधे ही आप कैक है ये ना लिखें, सीधे ही आप ये उत्तर है ये ना लिखें, आप दोनों लिखें, खै लिख करके हरिवंश राय बच्चन इस प्रकार से आपको लिखना है परीक्षा के अंदर। कवि किस भार को लिए फिर रहा है जीवन के अंदर, तो बताया था कविता के अंदर मैं जग जीवन का भार लिए फिरता। कवि जीवन में क्या लिए फिरता है, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता। कविता पढ़ रखी है तो उसको पढ़ करके उसका उत्तर हमारे अच्छे से याद हो जाता है। कवि किस सुरा का पान करता है, सुरा का मतलब शराब, कैसी शराब पीता है, सने यानी कि प्रेम की, मैं सने सुरा का पान किया करता। कवि कैसा संसार लिए फिर रहा है, स्वप्निल का मतलब सपनों का संसार, कवि अपने सपनों के अंदर प्रेम और खुशी से भरा संसार देखते हैं और वही संसार कवि जीवन के अंदर कविता के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। कवि हृदय में क्या जला कर दहा करता है, क्या जला रखी है, दहा लगी हुई है, आग लगी हुई है यानी कि अग्नि। कवि किस अवस्था का उन्माद लिए फिरता है, अवस्था मतलब कैसी अवस्था है उनकी, उन्माद का मतलब जोश कैसी अवस्था में है भाई, तो जोश तो युवा अवस्था में होता है, तो कवि युवा अवस्था में है, वो उन्माद भी है उनके जीवन के अंदर, अवसाद भी है। अब कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है, रोदन मतलब दुख में वो राग लिए फिरता है कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। कवि की वाणी कैसी है, शीतल वाणी में भी आग लिए फिरता हूँ। कवि स्वयं को दुनिया का एक नया क्या मानता, दीवाना। कवि कैसा संदेश लिए फिर रहा है, कवि का संदेश है मस्ती का। कवि हरिवंश राय बच्चन जी प्रेम और मस्ती के कवि हैं, तो उनका संदेश क्या होगा हमारे लिए, प्रेम से जिए, सभी से प्रेम करें। मस्ती का मतलब क्या होता है, सुख दुख में, सुख में आ जाए तो एकदम बहुत अधिक खुश होकर के पता नहीं क्या कर दे, और दुख में रोना बिलखना शुरू कर दे, काम कर रहा है तो रो रहा है, कोई दुख जीवन में आ गया दोष परमात्मा पे लगा रहा है, समाज पे लगा रहा है, किसी पे लगा रहा है, वो रोता रहता है कि ये हो गया वो हो गया, कि ऐसा ना करें, अरे मस्ती से रहे जीवन में। सुख दुख तो उन्होंने बताया भवसागर की लहर है, ये तो आते जाते हैं। कवि
हरिवंश राय बच्चन का जन्म तो हुआ था 1907 को और कहाँ हुआ था 2003 में। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कहाँ हुई थी? जन्म तो उनका इलाहाबाद में हुआ था और मृत्यु हुई थी मुंबई में। मंजिल भी तो दूर नहीं है, विचार किसके मन में आ रहा है? तो ये तो मतन जो विचार है ये पंथी के मन में। दिन जल्दी जल्दी ढलता गीत कवि हरिवंश राय बच्चन जी का है। और हो जाए न पथ में रात कहीं, सोच कर कौन जल्दी जल्दी चलता है पंथी, किसके बच्चे प्रत्याशा में हैं? प्रत्याशा यानी कि इंतजार में किसके बच्चे हैं। दूसरा पद्यांश था चिड़िया। नीड का अर्थ क्या होता है? नीड क्या होता है? घोंसला। घर जाते हुए कवि के पग स्थिल क्यों हो जाते हैं? स्थिल का मतलब कमज़ोर क्यों हो जाते हैं, रुक क्यों जाते हैं, रुक। तो इसका आपका जो उत्तर है वो कह है। घर पर उसका कोई इंतज़ार नहीं कर रहा। कवि ने कहा कि मेरा तो कोई लक्ष्य ही नहीं है, घर परिवार भी नहीं है, इसलिए कवि सोच करके धीमे पड़ जाते हैं, उनके काम में धीमापन आ जाता है। बच्चों की याद आते ही चिड़िया क्या करती है? तेज़ी से उड़ती है। और संसार के लोग पृथ्वी पर क्या जोड़ते हैं? अर्थ जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? अर्थ। अर्थ का मतलब है धन दौलत, जीवन जीने के लिए जो कुछ चाहिए उनको। अर्थ का मतलब हम क्या लेते हैं, हम कहते हैं ना कि उसके पास तो किसी चीज़ का अर्थ नहीं है, मतलब जुगाड़ करते हैं जीने के लिए। कवि कैसे संसार को ठुकराता है? वैभवशाली धन दौलत वाले को, कि जो संसार के लोग ये मानते हैं कि धन दौलत सब कुछ है, इसी में ऐसो आराम है, उसको कवि ठुकराता है। ऐसा संसार कभी नहीं चाहता। कवि उन्माद में क्या लिए फिर रहा है? अवसाद। उन्माद मतलब उत्साह, कि जोश भी है और मैं दुखी भी हूँ। कवि ने संसार को कैसा माना है? कवि ने संसार को अधूरा कहा है ना, अपूर्ण आएगा इसका उत्तर। कवि ने अपने हृदय में कैसा उपहार संजोए हैं? प्रेम के। कवि सुख दुख में सम रहता है, एक जैसा रहता है। भवसागर से कवि का क्या आशय है? संसार रूपी सागर। मैं सने सुरा का पान किया करता हूँ, मैं अलंकार क्या है? सने सुरा के अंदर आपका अलंकार है रूपक, प्रेम रूपी शराब। एक गीत कविता में कवि ने समय को कैसा माना है? तो समय को माना है त्रिव, कि वो तेज गति से चलता है। और कवि का साथ साथ में संदेह तो है परिवर्तनशील का भी, कि वो परिवर्तनशील है। लेकिन लाइन ही हमारी ये कहती है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, तो मतलब समय बहुत तेज गति से चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि हताश और दुखी क्यों है, उदास क्यों है, दुखी क्यों है? तो पत्नी से तलाक होने के कारण गलत है, संतान सुख से वंचित गलत, प्रियतमा की निष्ठुरता के कारण गलत, परिवार से बिछुड़ने के कारण। परिवार का मतलब उनका परिवार, उनकी पत्नी थी और उनसे उनका वियोग हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। कवि के हृदय में कैसे भाव भरे हुए हैं? कवि के हृदय में कैसे भाव हैं? तो इसका उत्तर क्या रहेगा? भाव का प्रसन्नता, उत्साह, घृणा। उत्साह की भी बात की थी कवि ने। अगर कविता हम पहली कविता की बात करें तो प्रसन्न खुश भी थे, लेकिन ये दूसरी कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है उसका है तो विहलता के भाव, कि कवि दुखी हैं। दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहाँ से झांकने लग जाते हैं? नीड़ों से। शीघ्र अपने बच्चों के पास पहुँचने की इच्छा चिड़ियों की किस क्रिया से प्रकट होती है? वो ऐसा क्या करती है जिसे हमें पता लगता है कि चिड़िया जल्दी ही जाना चाहती है अपने बच्चों के पास? तेज उड़ने लग जाती है तो हम समझ जाते हैं कि चिड़िया घोंसलों में अपने बच्चों के पास बहुत जल्दी जाना चाहती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता गीत में नीड़ों से झांक रहे बच्चों का ध्यान चिड़िया के परों में क्या भरता है? चंचलता, उदावलापन।
दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में, दिन का पंधी किसे माना गया है। चिड़िया को तो नहीं माना गया, प्रत्याशा तो इंतज़ार होती है। कई बार हमें क्या लगता है कि ऑप्शन का ये भी उत्तर आएगा, ये वो आएगा, तो फिर हम चारों जो ऑप्शन के आपके उत्तर होते हैं उनका फिर अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। जब पूरा उत्तर सही है तो हम लिख देते हैं, कई बार हमें ये लगता है कि ये है ये है, तो फिर हम कविता को समझने की कोशिश करते हैं और उन जो उत्तर दिए गए हैं उनको अर्थ उनका अर्थ जानते हैं। तो चिड़िया की बात नहीं थी यहाँ पर, पंथी के बारे में, प्रत्याशा इंतज़ार होता है और कवि ने यहाँ पंथी खुद को माना नहीं, पंथी तो जीवन का यात्री, जीवन के अंदर जो यात्री है उसको माना है। तो इसका उत्तर तो हमें कोई भी नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ इसका उत्तर सूर्य हो सकता है, क्योंकि क्या है कि कवि दिन का पंथी का मतलब, दिन का पंथी तो सूर्य ही होता है, वो भी तेज़ तेज़ गति से जा कर के दिन ढल जाता है, शाम हो जाती है, तो यहाँ सूर्य उत्तर आपका सही रहेगा। तो आशा है कि आपको अच्छे से ऑप्शन के क्वेश्चन हैं वो ये याद भी होंगे ही होंगे और आपको पता भी लग गया होगा कि किस प्रकार से हम अच्छे से ऑप्शन के क्वेश्चन हैं वो सही कर सकते हैं। घर रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।